साल है 2024, तारीख है 19 फरवरी। तू डरते डरते एक नया चैनल बनाएगा, तू एक नया स्टार्ट लेगा, तू अपने पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करेगा। तू अपनी वीडियो में पहले कहेगा कि मैं अपने पुराने चैनलों के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन तुझे पता होगा कि तू इनके बारे में बात नहीं करना चाहता। तू एक डेली व्लॉग शुरू करेगा और स्कूल से आकर लोगों को अपना दिन का हाल सुनाएगा। तू अपने बोर्ड एग्जाम की परवाह किए बगैर रोज व्लॉग बनाएगा। अब 12 दिन हो जाएंगे, तो लोगों से कहेगा आपको 1-2 दिन से ज्यादा डेली व्लॉग नहीं कर सकता। जब मैंने चैनल लाया था तो मैंने सोचा था मैं व्लॉग करूंगा एवरी सिंगल डे, इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बाद में, क्योंकि अब तो 1 दिन या 2 दिन, शायद 1 या 2 दिन आपको रेगुलर व्लॉग मिल जाएगा, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद और तो फिर डेली व्लॉगिंग छोड़ देगा। तो लोगों को नसीहत करने के लिए रमजान में एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। तुझे पता होगा कि ये डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं देखेगा, लेकिन तू फिर भी इस पर बहुत मेहनत करेगा, क्योंकि किसी महान शख्स ने कहा था, सर नीचे काम कर। तू उस डॉक्यूमेंट्री में अपनी दिलो जान लगा देगा, तू उसकी जिंदा एडिटिंग करेगा और उसे अपलोड कर देगा। तुझे अपलोड बटन दबाते हुए कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, क्योंकि तुझे पता होगा कि तेरा कोई सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी यूट्यूब की तो फिर भी YouTube की एल्गोरिथम पर भरोसा करके वीडियो अपलोड करेगा और तुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो अपना सफर जारी रखेगा, तो ये बताएगा तूने ये डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाई, लेकिन फिर भी उस पर कोई व्यू नहीं आएंगे। तो लोगों को बताएगा कि म्यूजिक इस्तेमाल करना हराम है, तो म्यूजिक इस्तेमाल नहीं करता, तो उसके ऑल्टरनेट बताएगा लोगों को, लेकिन लोग तेरी वीडियो नहीं देखेंगे। तेरी कोई वीडियो 30-40 व्यू से ऊपर ही नहीं जाएगी, जो जाएगी वो कहीं जाकर अटक जाएगी। फिर आखिरकार तू अपने रमजान के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा दोबारा, उसमें तू बताएगा कि तेरे रमजान कैसे गुजरे और तेरा ये वाला रमजान पिछले रमजान से कैसे बदले। फिर भी लोग तेरी वीडियो नहीं देखेंगे, 60 व्यू पे जाके वो वीडियो घटक जाएगी, और तुझे पता है कि ये वीडियो तू अभी भी बना रहा है, इस पे भी कोई 60-70 व्यूज से ज्यादा नहीं आएंगे, या फिर 30 व्यूज से। लेकिन तू हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि व्यवस्था रह शरीर से उम्मीदें बहा रख, शायद ने क्या खूब कहा है। तू अभी फारिग है, तू रोज व्लॉग बनाने के बारे में सोचेगा, लेकिन किसी और दिन बनेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्री है ये मैंने अपने दिल से बनाई है, और ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये वैसे मेरे दिल की हाल है, दिल का हाल है, क्योंकि इसमें सारी स्क्रिप्टिंग है। पहले मैं स्क्रिप्ट के बगैर बात कर रहा था, लेकिन फिर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी और फिर उसके मुताबिक मैंने बाप से बात की है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट के बगैर अटक जाता हूँ। उम्मीद है कि अगले साल जब हम मिलेंगे तब ये हाल नहीं होगा मेरे चैनल का, क्योंकि मैं काम करूंगा किसी महा यूट्यूबर ने कहा है, सर नीचे और काम ऊपर। लोग तुम्हें तुम्हारे काम से पहचानेंगे, ना कि तुम्हारे नाम से, क्योंकि तुम्हारा काम ही तुम्हारा नाम होगा। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए और मैं रखनी चाहिए, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह किसी न किसी दिन इसका सिला मिल जाएगा इंशाल्लाह। I don't wanna fight this war. Oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me.